हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो सोनी डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए कंटेंट मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में। लेसन 37 इज क्लिकबेट कंटेंट बेड इन कंटेंट मार्केटिंग। क्या कंटेंट मार्केटिंग में क्लिकबेट कंटेंट बुरा है, आज के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले कुछ की पॉइंट्स, और आज का हमारा पूरा फोकस यही रहेगा इस कोर्स की वीडियोस में कि किस तरह से क्लिकबेट कंटेंट हमारे कंटेंट मार्केटिंग के लिए बुरा है। और यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि आखिर में क्लिकबेट होता क्या है। देन इसी तरीके से हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे क्लिकबेट के, जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि आखिर में क्लिकबेट किस तरह से सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जिसको हमें नहीं करना है। साथ ही साथ क्या क्लिकबेट बुरा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसी तरीके से हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार के प्रैक्टिस से, किस अच्छी तरीकों से हम अवॉइड कर सकते हैं क्लिकबेट को, और ये सभी चीज बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फर्स्टली हम बात करने वाले हैं व्हाट इज क्लिकबेट, आखिर में क्लिकबेट है क्या। क्लिकबेट की बात करें जनरल, क्लिकबेट एक मिसलीडिंग और सेंसेशनल कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वो भी सोल पर्पस ऑफ अर्निंग पेज व्यूज ऑन अ वेबसाइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट पर अगर आपको पेज व्यूज चाहिए, तो बहुत सारे लोग मिसलीडिंग और सेंसेशनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसको क्लिकबेट के नाम से जाना जाता है। कई बार क्या होता है, पब्लिशर यूज करते हैं क्लिकबेट का, अपने ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपनी साइट पर, और वो ज्यादा यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी जितनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग होगी, जितनी ज्यादा ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पर आएगा, उतनी ज्यादा उनकी एडवर्टाइजिंग होगी, उतनी ज्यादा उनको मनी मिलेगी, और इसी तरीके से उनका क्लिक और कन्वर्सेशन भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे बात की जाती है क्लिकबेट लैंग्वेज जो होती है, एक बहुत ही इमोशनल होती है, जो इन्फॉर्मेशनल हेडलाइन सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा भी होगा इस तरह की हेडलाइन यूज होती है, जैसे कि यू वॉन्ट बिलीव, यानी कि आप बिलीव नहीं करोगे, या फिर इस तरीके आती है ट्राई दिस वन सिंपल ट्रिक, या आप सिर्फ एक सिंपल ट्रिक ट्राई करके देखिए। दे मींस इसका मतलब ये है कि वह क्यूरियोसिटी यहाँ पर लेके आते हैं, और जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ में यहाँ पर क्लिक के रिजल्ट बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्टेंट एक फॉलोअर्स के द्वारा जो लोग इन्फॉर्मेशन और वेरिएबल पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर क्लिकबेट जो होती है बहुत से फॉर्मेट में यूज किया जाता है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट में, बैनर एड्स में, और एसईआरपी एड्स में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से सबसे ज्यादा यूजर्स क्लिकबेट का यूज करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्लिकबेट का यूज करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम और भी डीपली समझते हैं कि आखिर में क्लिकबेट किस तरह से चीजों को देखता है। तो क्लिकबेट जो होती है ना, रिफर्स करा जाता है हेडलाइंस के थ्रू, क्लिकबेट होती है। बहुत से लोग टाइटल्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं, एक अट्रैक्टिव क्लिक लाने के लिए एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके थ्रू एक्चुअल कंटेंट वो डालते ही नहीं है, बस यहाँ पर वो एक हेडलाइन डाल देते हैं, और बहुत से लोग उस हेडलाइन को देखकर जैसे क्लिक करते हैं, और अंदर जब भी वो देखते हैं कंटेंट को, तो जहां पे जो ऊपर थंबनेल पर या फिर जो टाइटल या हेडलाइन लिखी होती है, उससे पूरी तरीके से वो जमीन आसमान का फर्क होता है। यानी कि दिखाते कुछ है और होता कुछ है, इसी तरीके से यहाँ पे क्लिकबेट का यूज करते हैं। अब जो गोल होता है क्लिकबेट का, उसका मेन गोल यही होता है कि ज्यादा ट्राफिक मुझे लेके आना है, ज्यादा एंगेजमेंट मुझे लेके आना है, और जिससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव यूजर एक्सपीरियंस आएगा, और बहुत सारे रीडर्स ये फील करेंगे कि ये जो सामने वाला जो कंटेंट हम एक्चुअल में दे रहा है, वो डिसपॉइंटेड दे रहा है, यानी कि वो हमारे काम का ही नहीं है, बस सामने वाले पर्सन ने टाइटल या हेडलाइंस या फिर थंबनेल का यूज करके और इजीली देख सिर्फ यहाँ पर कैची हेडलाइंस लिख दी, जिसके थ्रू यहाँ पर ज्यादा क्लिकबेट आ रहा है, बट अंदर कोई वो कंटेंट है ही नहीं, तो एक्चुअल कंटेंट वो नहीं मिलता है। इसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग की हम बात करें, तो मेन गोल यही होता है, अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करोगे, जितने ज्यादा रीडर्स पर अपना बिल्ड ट्रस्ट करोगे, अपनी ऑडियंस का जितना ट्रस्ट बिल्ड करोगे, उतनी ज्यादा आपके लिए भी नए नए व्यूअर्स आपकी साइट पर, नए नए कनेक्शन यहाँ पर बनने लगेंगे। क्लिकबेट जो होता है वो पूरी तरह से शॉर्ट टर्म गेंस के लिए ट्रैफिक होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारे यूजर्स आपके पास आ जाएंगे, बट जैसे आपकी साइट के बारे में लोगों को पता चलेगा, फिर जब भी आप फिर कभी अगर रिलेवेंट भी कॉन्टेंट दोगे ना, तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने उनके साथ पहले क्लिकबेट कर चुके हैं, यानी कि आपने दिखाया कुछ है और हुआ कुछ है। इसी तरीके से ब्रांड की रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, एक टाइम में आने के बाद ही पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आपको भी समझना है कि क्या क्लिकबेट सही है या गलत है। अब इसी तरीके से मैं अगर आपको और सिंपल वे में अगर समझाऊं, तो क्लिकबेट होता क्या है। क्लिकबेट जैसे कि आप नाम से समझ जाएं, क्लिक प्लस बेट। अब क्लिक का मतलब अगर हम बात करें, तो क्लिक दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लिकबेट, क्लिक और बेट। इंटरनेट पर क्लिक का मतलब आप सभी को पता है, लिंक द्वारा किसी वेबसाइट पर जाना, और बेट का मतलब होता है जाल में फंसाना।
यानी कि दोनों मिलाकर अगर हम बात करें तो क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि लोगों को क्लिक करवाकर किसी वेबसाइट पर ले जाकर जाल में फंसाना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वेबसाइट है और मेरी ख्वाहिश है कि ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आए और एक दिन मैं अपनी वेबसाइट पर ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं इसके बारे में एक आर्टिकल लिखता हूँ और जैसे ही मैं अपने ब्लॉगिंग से पैसे कमाने कुछ जनरल मेथड के बारे में मैंने उसी में इन्फॉर्मेशन भी दी। अब इसी के बाद क्या करता हूँ मैं कि पोस्ट लिखने के बाद मैं उस ब्लॉग पोस्ट को कुछ इस तरह का टाइटल दे दूंगा जैसे कि ब्लॉग से एक दिन में 1000 रुपए कमाइए। तो आप देखिए जैसे ही मैंने 1000 रुपए लिखूंगा तो ज्यादा क्लिक बेट यहाँ पर आने लगेंगे, ज्यादा यूजर्स मेरे पास आने लगेंगे और जैसे वो क्लिक करेंगे तो उन्हें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इससे क्या होगा मेरी ट्रस्टेबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर कर दूंगा, बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पर भी आ जाएंगे और मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक भी कई गुना बढ़ जाएगा। बट आप जरा सोचिए कि जो लोग मेरी वेबसाइट पर आए क्या उन्हें वो मिला जो उन्होंने क्लिक करने से पहले सोचा था? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि इनके अगर मैंने लोगों के साथ क्लिकबेट किया है तो उदाहरण के लिए क्लिकबेट का मतलब यही अच्छी तरह से आप समझ गए हैं कि क्लिकबेट आपको जाल में फंसा देता है और बहुत सारे यूजर्स एक बार जाते हैं फिर उस दूसरी वेबसाइट पर कभी नहीं जाते। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्लिकबेट के बारे में। एक बुजफीड आर्टिकल से जो फॉलो कर रहा है सम एसईओ की गाइडलाइंस को और उसने अपने पेज टाइटल्स भी लिया है, हेडलाइंस को साथ साथ रिप्रेजेंट भी करा उस कॉन्टेंट में और हाउएवर इमोशनली हेडलाइंस उसने चेंज कर दी है और यहाँ पर एक फॉल्स प्रॉमिस कर दिया यानी कि लोग झूठा प्रॉमिस कर दिया एक हेडलाइन पर इमोशनल तरीके से यहाँ पर लिख दिया गारंटेड टू मेक यू यानी गारंटी आप ये बना लेंगे। अब इनक्राउड हो जाते हैं बहुत से लोग इस आर्टिकल्स को देखकर और एफिलिएट लिंक्स को देखकर। अब जैसे ही होंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि अंदर कुछ है और होता कुछ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लिक बैठ के देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी समझना है कि आपको अपने कॉन्टेंट आपको अपने साइट ब्लॉग पर इस तरीके के कॉन्टेंट बिल्कुल ना डालना है, ना ही हमें क्लिक बैठ का यूज करना है। अब जैसे कि आप समझ ही गए कि क्लिकबेट क्या क्लिकबेट बेड है, तो हाँ क्लिकबेट बेड है। अब जैसे कि अगर हम डेवलप करते हैं अपने कंटेंट को रीडर्स के लिए लेके आते हैं अपने वेबसाइट पर जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे हमें पेनल्टी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग टेक्निक्स हम कर रहे हैं इसकी हेल्प से, तो क्या होगा हमारा एसईओ फ्रेंडली भी काम नहीं करेगा। तो गूगल को भी पता होता है कि बहुत सारे वेबसाइट यूजर्स क्या करते हैं कॉन्टेंट को यूज करते हैं और एक बेरियस अपडेट लाते रहते हैं अपने वेब पेज टाइटल चेंज करते रहते हैं हेडलाइन चेंज करते हैं साथ ही यूआरएल को भी चेंज करते हैं जो रिलेवेंट नहीं होती उनके कॉन्टेंट को। बट गूगल इस तरीके की चीजें जो लोग करते हैं उनको पेनलाइज करता है साथ ही साथ उनकी रैंकिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको भी ध्यान देना है कि आपको इस तरीके से क्लिकबेट नहीं करना है। इसी तरीके से क्लिकबेट बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होता है। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर में क्लिकबेट और किस किस तरीकों से हो सकता है। तो जैसे कि डिजिटल पीआर, अब डिजिटल पीआर का मतलब समझ लेते हैं आपकी वेबसाइट है और नॉट हर कोई आता है और क्राउड्स होता है क्लेम्स करता है आपकी हेडलाइंस को देखकर और आपने जो लॉर ट्रैफिक लाने के लिए लगाई है और आपके ब्रांड की रेपुटेशन क्या होगी सफर होगी और लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से अगर आप क्लिकबेट का यूज करोगे तो आपके बाउंस रेट में प्रॉब्लम आएगी, यूजर क्लिक तो कर लेगा आपकी वेबसाइट पर बट यूजफुल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वहां से हट जाएगा और बाउंस रेट आपका इस तरीके से बनने लगेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरह से ओवरऑल आपका बाउंस रेट यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर आप क्लिकबेट का यूज करोगे बैकलिंक्स लगाओगे तो आप अपनी अर्निंग तो कर पाओगे रेप्यूटेड साइट के थ्रू आपने जहाँ पे जो बैकलिंक्स लगाई हुई है बट आपका जो ऑथोरिटी पेज स्कोरिंग होता है ना आपका पेज रैंक जो होता है वो स्लो होने लगता है डाउन होने लगता है। तो आपको ये समझना है कि क्लिकबेट आपके अपनी वेबसाइट आपके अपने कॉन्टेंट के लिए हमेशा बेड है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्लिकबेट कॉन्टेंट टू बी हार्मफुल टू ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन इन सर्वल वे यानी कि किस तरीके से क्लिकबेट के जो कंटेंट होते हैं वो आपके ब्रांड इमेज को भी पूरी तरीके से हार्मफुल कर लेते हैं और साथ ही साथ कुछ रेपुटेशंस को भी सर्वर व्यू में प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं अगर हम क्लिकबेट का ज्यादा यूज करेंगे या हम थोड़ा भी यूज कर रहे हैं ना तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट जो है डिक्रीज होने लगता है। जब भी रीडर्स आपकी हेडलाइन को देख कर आता है और आपने जो भी प्रॉमिस करा है सामने वाले पर्सन को हेडलाइंस के थ्रू थंबनेल्स के थ्रू या फिर जो भी इमेजेस के थ्रू बट वो उसको आप डिलीवर दे ही नहीं पा रहे उसको कंप्लीटली कुछ और डिफरेंट चीज दे रहे हैं या आपको फॉल्स मिसलीडिंग दे रहा है जिससे क्या हुआ आपके ब्रांड के साथ उसका ट्रस्ट जो है लूज होने लगेगा। इसी तरीके से आपकी एंगेजमेंट भी रिड्यूस होने लगेगी कमी आने लगेगी अगर आप यहाँ पर क्लिकबेट कंटेंट को लगाते हो। आपकी ब्रांड इमेज तो खराब होगी होगी और साथ साथ रीडर्स भी ये फील करेगा कि जो भी आप क्लिकबेट के थ्रू दे रहे हो या क्लिकिंग के थ्रू पीस ऑफ कंटेंट यहाँ पर दे रहे हो वो उसके पसंद का है ही नहीं और आप फ्यूचर में उस कंटेंट को वो देखना कभी
पसंद नहीं करेगा। तो आपकी इसी तरीके से आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपकी इंगेजमेंट रिड्यूस होने लगेगी। नेगेटिव सोशल प्रूफ, अगर आप इसी तरीके से बार बार क्लिकबेट करते हैं जरा से व्यूअर्स के चक्कर में और आप चाहते हैं कि ज्यादा व्यूअर्स आपके यहाँ और आपकी एडवर्टाइजिंग जैसी बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। बट वेट कीजिए, अगर आप सही तरीके से अच्छा रिलेवेंट कॉन्टेंट डालोगे तो आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपके कॉन्टेंट के बारे में ज्यादा लोगों को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता चलेगा। अब नेगेटिव सोशल प्रूफ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस तरह के क्लिकबेट कंटेंट करते हैं और जब भी लोग सिटराइज देखते हैं, ब्रांड आपके देखते हैं कि बहुत सारे आप ब्रांड के साथ क्या कर रहे हो, क्लिकबेट का यूज कर रहे हो, तो नेगेटिव परसेप्शन आता है आपके ब्रांड के बारे में और ज्यादा ऑडियंस को सोशल प्रूफ के थ्रू मिल जाता है कि ये सामने वाली जो ऑडियंस है, जो कंपनी है, वो हमें पूरी तरह से फ्रॉड कर रही है। डैमेज टू एसईओ, और इसी तरीके से आप क्लिकबेट का यूज करोगे तो आपका एसईओ भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि क्लिकबेट जो होता है लीड करता है हाई बाउंस रेट को, क्योंकि एकदम से बाउंस रेट आपका बढ़ने लगता है और इसी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट आता है आपकी वेबसाइट के सर्च इंजन रैंकिंग पर और आपकी यहाँ पर सर्च इंजन गूगल के थ्रू रैंकिंग नहीं हो पाती। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लिकबेट से किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके ब्रांड के लिए और रेपुटेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। चलिए, ये सब चीजें आपने जानी कि आखिर में क्लिकबेट होता है क्या, क्या क्या इसमें की जाती है। आपने एग्जाम्पल से भी समझा और आपने ये भी समझा कि किस किस कारणों से भी हमारी क्लिकबेट यहाँ पर होने लगती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड क्लिकबेट। ये सभी बातें जानने के बाद कि किस तरह से हम क्लिकबेट से अवॉइड हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना, जो भी आपका पेज टाइटल है, हेडलाइन स्ट्रक्चर है, वो गूगल के एल्गोरिथम को समझे, यानी गूगल का जो एल्गोरिथम उसको सर्च करता है उस हिसाब से आप अपने टाइटल्स रखिए, हेडलाइंस रखिए, उस तरह से कंटेंट को बनाइए अपनी साइट पर और उसी तरीके से मैच करिए अपनी हेडलाइंस को और पेज के टाइटल्स को। अब इसी तरीके से गूगल करेगा आपके मोस्ट रिसेंट पेज को, टाइटल को अपडेट देखेगा, साथ ही साथ सर्च इंजन पर डिस्प्ले करेगा और रिप्लेसमेंट भी करेगा कि आपने जो टाइटल्स यहाँ पर दिया है वो किस प्रकार से कंटेंट में मैच हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी चीजें अवॉइड करनी है। अगर आप टाइटल कुछ और लिख रहे हैं, हेडलाइन कुछ और लिख रहे हैं, अंदर कंटेंट कुछ और दे रहा है, तो इससे गूगल को पता चल जाएगा और यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि जरा सी लापरवाही, जरा सी एडवर्टाइजिंग, जरा सा अटेंडमेंट अटेंशन के लिए या फिर प्रोस्पेक्टिव के लिए इंडिविजुअल आपको कुछ चीजें करनी है आपके पर्पस के लिए, इस प्रकार की क्लिकबेट ना करें। अब चलिए यहाँ पर हम समझने वाले हैं कुछ और डिटेल में, क्रिएट एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स एंड हेडलाइंस। अगर आपको अवॉइड करनी क्लिकबेट को तो आपको एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स और हेडलाइंस को यूज करना होगा। आपको श्योर होना होगा कि आपका जो पेज टाइटल है या पेज टैग है, हेडलाइंस है, वो एसईओ को कम्प्लीमेंट करे, रिलेवेंट कॉन्टेंट यहाँ पर लेके आए, कीवर्ड रिसर्च में आपके लिए हेल्पफुल हो, जिसके थ्रू कोई पर्सन कीवर्ड के थ्रू रिसर्च करे तो आप अपनी डिस्कवर हो पाओ, आपके कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट तक लोग पहुंच सके आपके। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है आपका पेज टाइटल, हेडलाइंस और कॉपीज यूज करना है आपको टारगेट कीवर्ड्स का, जिसके थ्रू कंटेंट सिग्नल्स आपको गूगल के थ्रू मिल जाते हैं और आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कुछ कीवर्ड मैजिक टूल्स का, जो डिस्कवर करते हैं रिलेवेंट कीवर्ड्स रिलेटेड से आपको टारगेट कंटेंट, चाहे एडवर्टाइजिंग रिलेटेड क्यों ना हो, ये सभी चीज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसे गूगल पे आपको बहुत सारे कीवर्ड मैजिक टूल्स मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप आसानी से एक बढ़िया तरीके से एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स लगा सकते हो। इसी तरीके से हेडलाइंस की यूज करें, अगर हम बात करें मैच द यूजर्स सर्च इंटेंट, आपको यहाँ पर यूजर्स के हिसाब से सर्च इंटेंट लाना होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कीवर्ड दे रहे हैं अपने कंटेंट को, वो पूरी तरह से रिलेवेंट होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ फोर कॉमन टाइप्स आपको समझना होगा जब इस प्रकार के सर्च इंटेंट लेके आए, तो ये होता है नेविगेशन, इन्फॉर्मेशन, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन और ट्रांजिशनल्स। अब नेविगेशन को समझ लेते हैं। तो नेविगेशन जो होता है ये पूरी तरीके से यूजर सर्च पर एक स्पेसिफिक वेबसाइट तक ले जाता है, तो आप चाहे तो नेविगेशन के लिए सौरभ वेबसाइट पर समझ सकते हैं। देन इसी तरीके से इन्फॉर्मेशनल की हम बात करें, तो यूजर्स के सर्चेस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, किस प्रकार के टॉपिक के हिसाब से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सअप गुड कार, यानी कौन सी अच्छी कार है। इसी के साथ कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें, तो यूजर रिसर्च करता है ऑप्शंस को फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वे में कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन, ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यूजर सर्चेस देख पाता है किस प्रकार से स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप अपने यूजर्स के हिसाब से सर्च इंटेंट जितना बढ़िया मैच करोगे, उतना बढ़िया आपका सबसे अच्छा कंटेंट दिखेगा। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले लास्ट में की टैग वेज कौन कौन से होते हैं जो हमें अपने क्लिकबेट से बचाने में हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार के क्लिकबेट का यूज कभी नहीं करना है हमारे कंटेंट मार्केटिंग में। ऐसे कंटेंट मार्केटर और डिजिटल मार्केटर दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इसी के साथ क्लिकबेट जो होती है अलग टाइप्स की मार्केटिंग टेक्निक यूज करते हैं बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, कुछ क्लिक्स के लिए, कुछ कंसाइडर्स ऐसी स्ट्रेटजी के हिसाब से यूज करते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्लिकबेट को अवॉइड करना, आपको इंश्योर करना है कि जो आपका पेज टाइटल है, हेडलाइंस, यूआरएल जो मैच कर रहा है आपके कंटेंट के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको यूजर सर्च इंटेंट लगाना है और उसी
तरीके से एक रिलेवेंट कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करना है। तो आई होप कि आप कंप्लीटली समझ रहे होंगे कि क्लिकबेट होता है क्या। एग्जांपल के साथ साथ आपने ये भी समझा कि किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं क्लिकबेट को। आई होप कि आप जरूर सब चीजों का ध्यान रखोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।